बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनमोजी जी। और लीजिए, मैं अंतिम क्रम में आपसे सिर्फ 10 मिनट चाहूंगा और एक निवेदन के साथ कि मैं राष्ट्र वंदना में जब अपनी कुछ आहुति दूं तो आप लोग अपनी जगह पर रहें, जिन्हें जाना है वो चले जाएं, लेकिन इसके बाद मैं चाहूंगा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी अपना स्थान न छोड़े। मैं चार पंक्तियां सीधे सीधे निवेदन करना चाहता हूं। डाल कर पांव में बेड़ी मुझे चलने को कहते हैं, डाल कर पांव में बेड़ी मुझे चलने को कहते हैं, काट कर पंख वो मेरे मुझे उड़ने को कहते हैं, काट कर पंख वो मेरे मुझे उड़ने को कहते हैं। जिन्हें रोशन किया मैंने अंधेरा दे गए मुझको, जिन्हें रोशन किया मैंने अंधेरा दे गए मुझको, बताते हैं मुझे सूरज मगर ढलने को कहते हैं, बताते हैं मुझे सूरज मगर ढलने को कहते हैं। और एक इसी श्रेणी का मुक्तक मैं उन नौजवान साथियों को परोसना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं संकल्प लेकर चलते हैं, भाई पंकज रंगडाले की पूरी टीम को, कि मैं तन्हा हूं जहां मैं पर मुझे महफिल पुकारेगी, मैं तन्हा हूं जहां मैं पर मुझे महफिल पुकारेगी, मैं उलझा हूं गमों में पर मुझे मुश्किल संवारेगी, मैं उलझा हूँ गमों में पर मुझे मुश्किल संवारेगी, मेरी नाकामियों पर खुश जरा होने से पहले सुन, मेरी नाकामियों पर खुश जरा होने से पहले सुन, मैं निकलूंगा सफर में तो मुझे मंजिल तलाशेगी, मैं निकलूंगा सफर में तो मुझे मंजिल तलाशेगी। ये कुछ परिचय की पंक्तियों के साथ मैं आपको उसी देशभक्ति के जज्बे के साथ जोड़ना चाहता हूं। मैं चार पंक्तियां सीधे सीधे उन भारत के दुश्मनों को जो कहते हैं कि भारत जिंदाबाद नहीं कहेंगे, और आप लोगों से बताना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि वो भारत जिंदाबाद नहीं कहेंगे तो ये भारत जिंदाबाद नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। चार पंक्तियां सीधे सीधे उन देशद्रोहियों को भेजना चाहता हूं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए। कि वतन से की बगावत तो बड़ी अब पीर देंगे हम, वतन से की बगावत तो बड़ी अब पीर देंगे हम, नहीं थोड़ी सुनो दुष्टों बड़ी गंभीर देंगे हम, नहीं थोड़ी सुनो दुष्टों बड़ी गंभीर देंगे हम, कि जिंदाबाद भारत था ये जिंदाबाद ही होगा, कि जिंदाबाद भारत था ये जिंदाबाद ही होगा, जो जिंदाबाद ना बोले उसे अब चीर देंगे हम, जो जिंदाबाद ना बोले उसे अब चीर देंगे हम। और राष्ट्रपति का गायक हूं, चार पंक्तियों के बाद एक मुक्तक प्रेषित करते हुए अपने गीत को प्रारंभ करता हूं। मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारे माननीय कवियों को बाहर से बधाते हुए मैं भी आपकी तरह गोंदिया से पड़ोसी जिले से आया हूं, मैं भी आपकी तरह इनका मेजबान हूं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक कविता के बाद अपना स्थान ग्रहण करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। तब तक मैं चाहूंगा कि आपके समर्थन की तालियां मेरे हक में बजती रहें। मैं चार पंक्तियों से बात कहना चाहता हूं कि तुलसी ना हो आंगन में तो
तुलसी ना हो आंगन में तो आंगन सूना लगता है, तुलसी ना हो आंगन में तो आंगन सूना लगता है, शिव का पूजन नहीं किया तो सावन सूना लगता है, शिव का पूजन नहीं किया तो सावन सूना लगता है। और भारत माँ की आन बान पर जान लुटाने वालों की, भारत माँ की आन बान पर जान लुटाने वालों की महिमा नहीं सुनाई तो ये गायन सूना लगता है, महिमा नहीं सुनाई तो ये गायन सूना लगता है। मैं एक बार आपके समर्थन की भीख मांगते हुए मैं भारत माता के लिए उस पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने लिखा था जब हमारे यहाँ उरी में हमला हुआ था, पठानकोट में हमला हुआ था। तब एक पीड़ित हृदय कवि क्या लिखता है, उस दर्द को लिखने के लिए चार पंक्तियाँ मात्र बनी थी, उसके बाद मैं कविता नहीं लिख पाया। लेकिन पिछले साल ऐसी घटना हुई हमारे देश की, वो राष्ट्रपति सरकार ने वो कार्य कर दिखाया जब कवि की कलम चलने लगी और अपने आप गीत की पंक्तियां अवतरित होने लगी। मैं अपना काव्य पाठ करना चाहता हूं, इस दौरान मैं चाहूंगा कि कोई ताली नहीं, बस आप समर्थन और इस पंक्तियों को सुनते हुए ध्यान मग्न होते हुए कि कैसे हमारे देश के लोग, हमने क्या अपनी छवि बनाई और हमारे सैनिक क्या छवि बनाते हैं, उस पर आप अपना ध्यान चाहिए जी। पढ़िए, भारत माता की वंदे, वंदे। पर गोलियां और गोले बरसा कर उनकी हत्या कर देते हैं, और उस समय हमें ऐसा लगने लगा था कि क्या ये सरकार भी वैसी है जिसको हमने चुनकर दिल्ली में बैठाया है। तो चार पंक्तियां बनी थी, उसको पहले पढ़ना चाहता हूं कि अब जो तुमने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी में, अब जो तुमने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी में, कब्र तुम्हारी खुदवा देंगे कश्मीर की घाटी में, अब जो तुमने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी में, कब्र तुम्हारी खुदवा देंगे कश्मीर की घाटी में, पाकी दुष्टों खैर मना लो अपने तुम माकाओं की, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में। ये चार पंक्तियां बनी थी, उसके बाद कुछ पढ़ नहीं पाया, कुछ लिख नहीं पाया। लेकिन 28 सितंबर को जब हमारे देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तब वो कवि की पंक्तियां कैसे आगे बढ़ती हैं सुनिएगा कि अब जो तुमने आग लगाई हिंदुस्तान की माटी में, कब्र तुम्हारी खुदवा देंगे कश्मीर की घाटी में, बाकी दुष्टों खैर मना लो अपने तुम माकाओं की, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में। और कैसे तुमने सोच लिया था कुछ भी ना कर पाएंगे, कैसे तुमने सोच लिया था कुछ भी ना कर पाएंगे, कायर कुत्तों के आगे क्या शेर भला डर जाएंगे, कायर कुत्तों के आगे क्या शेर भला डर जाएंगे, गीदड़ की औलाद सुनो अब शेरों ने ललकारा है, गीदड़ की औलाद सुनो अब शेरों ने ललकारा है, छुपकर तुमने घात लगाई हमने घुसकर मारा है, गीदड़ की औलाद सुनो अब शेरों ने ललकारा है, छुपकर तूने घात लगाई हमने घुसकर मारा है, आतंकी आकाओं की हम खाल खींच कर आए हैं, अठारह के बदले देख तेरे 36 मार कर आए हैं, अठारह के बदले देख तेरे 36 मार कर आए हैं, और देख लिया ना दम है कितना 56 इंची छाती में, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में। और हम महाभारत पांडवों के वंशज, अर्जुन के वंशज, उनको संदेश देते हैं कि नोक बराबर भूमि खातिर महायुद्ध लड़ जाते हैं, नोक बराबर भूमि खातिर महायुद्ध लड़ जाते हैं, महावीर के वंशज फिर हम लंका जलाकर आते हैं, महावीर के वंशज फिर हम लंका जलाकर आते हैं, अर्जुन के गांडीव की अब टंकार तुझे सुनाएंगे, अर्जुन के गांडीव की अब टंकार तुझे सुनाएंगे, महाकाल के तांडव जैसा नृत्य तुझे दिखलाएंगे, महाकाल के तांडव जैसा नृत्य तुझे दिखलाएंगे, और रंगे सियारों के भी अब हम बोल बदलने जाएंगे, पाकिस्तानी धरती का भूगोल बदलने जाएंगे, पाकिस्तानी धरती का भूगोल बदलने जाएंगे। और दौड़ दिया इतिहास ने फिर वीरों की परिपाटी में, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में, चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे पाकिस्तान की छाती में। और अंतिम पंक्तियां समाधान की पंक्तियां, ज्यादा समय में अपने बीच आपके बीच नहीं रहना चाहता, चार पंक्तियों के बाद अपनी काव्य पाठ को यहीं विराम दूंगा। अभी टीटुआ पकड़ा है पर गला मसकना बाकी है, अभी टीटुआ पकड़ा है पर गला मसकना बाकी है, पूछ दबाकर रखी हमने फन भी कुचलना बाकी है, पूछ दबाकर रखी हमने फन भी कुचलना बाकी है, अरे शेरों ने ललकारा है अब दुश्मन बचना पाएगा, शेरों ने ललकारा है अब दुश्मन बचना पाएगा, और लाहौर कराची में फिर से वंदे मातरम गाया जाएगा, लाहौर कराची में फिर से वंदे मातरम गाया जाएगा, और कान खोल कर सुन लो दुष्टों बात हमारी हिंदी में, कान खोल कर सुन लो दुष्टों बात हमारी हिंदी में, वंदे मातरम गाएंगे हम घुसकर रावल पिंडी में, वंदे मातरम गाएंगे हम घुसकर रावल पिंडी में। जोरदार तालियां हो जाए।
रावलपिंडी में, और देख लिया ना दम है कितना, 56 इंची छाती में चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे, पाकिस्तान की छाती में चढ़ के तिरंगा लहरा देंगे। धन्यवाद, एक बार मेरे साथ बोलिए भारत माता की।